और भाई आज है 2 अक्टूबर और आज का है हमारा प्रोग्राम, और हम जो है भाई टाइम से पहुंच गए हैं, 7:30 से पहले ही पहुंच गए थे। और अभी ये सारी जगह तैयार हो रहा है, प्रोग्राम 10 बजे स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अभी प्रोग्राम की कुर्सियाँ वगैरह लग रही हैं, और अभी जो हमारे हलवाई हैं वो भी आ रहे हैं, और अभी ये स्टेज तैयार हो रहा है। अभी देखना भाई जब ये तैयार हो जाएगा उसके बाद देखना कैसा लगेगा, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। तो लगते हैं काम पे भाई हम भी, तो चलो देख आप, बाकी आपको दिखाता रहूँगा कैसे क्या है। अभी टेंट वगैरह तैयार हो रहा है, और भाई ये हमारे मेमेंटो जो हम बच्चों को देंगे, और जो हमारे आदरणीय भाई अतिथिगण आएंगे उनके लिए ये हैं, और थोड़े यहाँ पे रखे हैं ये रखे, और जो है गाड़ी अभी गई है उनको छोड़ने, भाई नहलाने धोने की जो व्यवस्था है वो हमने धोला कुआं बस डिपो के पास करी है। और अभी देखो भाई आप लोग, बिल्कुल यहाँ पे खाने पीने की पूरी व्यवस्था कर दी जाएगी, ये टेंट लगा है, ठीक है। ये सारे मोमेंटो, और ये हमारे जो चीफ गेस्ट है उनके लिए एक मोमेंटो है ये उनका, और ये सारे भाई पूरी पेटियां भरी पड़ी हैं, पूरे सारे आगे बाबू जी। और ये हमारे चीफ गेस्ट का दो है, एक ये रे एक ये है उनके लिए, देखो भाई। बहुत मज़ा आने वाला है भाई आज, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और देख लो कितना हो गया, ये जो हमारा स्टेज है ये तैयार हो रहा है, ये कुर्सियाँ लग गई हैं, ये आ गए हैं, यहाँ झाड़ू लग गई है, तो कर रहे हैं भाई, बाकी हम भी लगे हुए हैं, करते हैं जैसा होगा आपको दिखाएंगे। तो भाई प्रोग्राम जो है रेडी होने की कगार पे है, और जो हमारे बच्चे हैं वो अभी आ ही रहे हैं, टाइम लगेगा भाई, काफ़ी दूर दूर से आ रहे हैं, कोई राजस्थान कोई पूना, जगह जगह से, और हम जो है वो रेडी हो गए, अब चल रहे हैं बस आगे, चाबी देनी है पापा जी को। क्रम की को सुचारू रूप की तरफ आगे हम बढ़ा से सभी भाइयों से अनुरोध है कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें ताकि कार्यक्रम को सुचारू रूप की तरफ आगे बढ़ा से। मेरे बड़े भाई मुकेश गुंडावा जी पहुंच चुके हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। मेरे बड़े भाई सतीश वर्मा जी, नरेंद्र वर्मा जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे आज के कार्यक्रम में कस्टम विभाग अहमदाबाद हमारे बीच पधार चुके हैं, हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। हरियाणा की आन बान और शान जिसने
एक छोटा सा सपना बंद कमरे में बैठ के देखा था कि नारनौल में बनेगा एक दिन अजमेर धाम। क्षमा करना, मैं उसे मंदिर के रूप में ले रहा हूँ, एक समाज की धर्मशाला बनेगी। ऐसा सपना देखने वाला प्रधान लक्की राम जी अपने साथियों के साथ हमारे बीच पधार चुके हैं और उनके इस सपने को साकार करने में उनके उपप्रधान श्री कैलाश जी मंडावरा, सुरेंद्र भाई, रमेश भाई सभी ने तन मन धन से सहयोग दिया। वो सपना साकार हो चुका है। हमारे आज के विशेष आमंत्रित अतिथि श्रीमान पीके वर्मा जी हमारे बीच पधार चुके हैं। हम उनसे आग्रह करते हैं कि कृपया वो मंच पर आ जाए। मैं आग्रह करूंगा सबसे कि कार्यक्रम की शुभारंभ करते हुए ज्योति प्रज्वलित का कार्यक्रम। हमारे बीच ओम प्रकाश सिप्पल जी पधार चुके हैं। हम उनका जो करते वक्त मुझे बड़ा आश्चर्य होगा और आपको मुझसे ज्यादा बड़ा आश्चर्य होगा कि वो शख्सियत 96% अंक लेकर पास हुई है और हमारे बीच राजस्थान से आई है वो शख्सियत
और वो दोनों ही आंखों से देख नहीं सकते हैं। कहते हैं कि भगवान ऐसा तो किसी को ना दे, लेकिन दोनों आंखें ना होने के बावजूद भी उन्होंने 96% अंक लेकर आंखों वाले बच्चों से ये कह दिया है कि तुम भी कुछ जानो और ऐसे अंक लेकर आओ। इस बच्चे का श्याम सुंदर सोनी को हमारे लक्की राम सोनी जी अपनी तरफ से 500 रुपए देकर इस बच्चे का हौसला बढ़ा रहे हैं। ये हमारे लिए वाकई ही एक मिसाल है। और आप हमारे बड़े भाई मुकेश सोनी जी भी इस बच्चे को 500 रुपए देकर इस बच्चे का हौसला बढ़ा रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। इस बच्चे का हौसला हमारे आज के विशेष आमंत्रित अतिथि श्री डी एम सुल्तानिया जी भी बढ़ा रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। भागचंद सोनी जी जो प्रवक्ता हुई है वो भी इस बच्चे को अपना आशीर्वाद देकर इस बच्चे को का हौसला बढ़ा रहे हैं। और अनिल जी जो कुरुक्षेत्र से आए हैं वो भी इस बच्चे का हौसला बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, हमने कभी कहा था रेवाड़ी वो मंच था जिस पर धनों की बरसात होती थी। रेवाड़ी वो मंच था देश का पहला मंच जिस पर धन की बरसात होती थी। और आज भी वही मंच है। पालन गांव से भी लेके भाई का फोन आया था कि मैं प्रोग्राम में शामिल होना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, लेकिन इस बच्चे को देखने के बाद इस बच्चे में जो भाई में भी जोश आ गया और ये भी सबसे का हौसला बढ़ा रहे हैं। अजय कुमार सोनी जी ने भी इस बच्चे को 500 रुपए भिजवाए हैं। हम इस बच्चे को समाज की तरफ से यह आशीर्वाद देते हैं। हमारे ओम प्रकाश विपल जी इस बच्चे को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। दोस्तों, 96% नंबर लाना बहुत बड़ी बात है। मेरे कभी बच्चे
साथियों, हमारे बीच हमारे प्रिंसिपल साहब संदीप सोनी जी आ चुके हैं, उनका तहे दिल से स्वागत करेंगे। हमारे आज के वरिष्ठ अतिथि हैं। ये मेरे भाई है, ये मेरे चाचा का लड़का है, मेरे ताऊ का लड़का है, मेरे ताऊ का लड़का है, ये मेरे चाचा का लड़का, ये आए हैं काम करवाने के लिए। ये हमारे ओमी भाई है। कमजोर हो गया तो पतला हो गया, मैं डाइट पे हूँ।
तो भाइयों आज का प्रोग्राम जो है समाप्त हो गया, बस मैं और पापा जी रुकेंगे यहाँ पे ताकि जो है सारा सामान सिमटवा दे, और ये हमारा परिवार जा रहा है भाई, ये हमारे परिवार की एक गाड़ी ये भर के जा रहे हैं, ये दूसरी ये जा रहे हैं, अभी दे रहा हूँ, अभी मंगा रहे पानी की बोतल, जा रहे हो तुसी और तुसी जा रहे हो टाटा, गाड़ी बन गई पूरी, वसूली वसूली हो गई है, ये जा रहे हैं, ये भी जा रहे हैं, जा रहे हैं गाइस, ताऊ जी भी जा रहे हैं, नमस्ते नमस्ते। आए मिस्टर आइडिया ने, आयुष आयुष ने बहुत अच्छा काम किया, डॉक्टर आज का जो सक्सेस है आयुष को जाता है, आयुष और इसकी दिलाली को जाता है, हमारी गुड विशेष दोनों के साथ आपने बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, और मैं सबसे कहूँगा इस चैनल को लाइक करें शेयर करें, थैंक यू ताऊ जी, थैंक यू, बस इतना ही सपोर्ट चाहिए, और ये सब भी जा रहे हैं भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बिल्कुल लाइक शेयर सब क्या करना है, बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है गाइज, और ये जा रहे हैं, मैं कमेंट करूंगा और कमेंट जरूर करना है कैसा लगा प्रोग्राम, ठीक है, बिल्कुल अब जा रहे हैं, 10-10 रुपए के हिसाब से गिन लियो कितनी दे रहा है, ले आइए भाई हमारे